इस वीडियो में हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है टेंजेंट का। अब देखो ध्यान से, इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगा हुआ है, तो सर्किट को देखते ही पहचाना गया ये आरएल सर्किट है। अगर ये आरएल सर्किट है तो अगेन देखो इस बार क्या क्या पूछा गया है। इसमें आई ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू, डी आई ऑफ जीरो प्लस अपॉन डी टी, वी एल ऑफ जीरो प्लस, आई ऑफ इन्फिनिटी और आई ऑफ टी, ये सारी चीजें निकालनी है हमें। देखो एक ही सर्किट में ज्यादा से ज्यादा चीजें निकालने की कोशिश करोगे तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल मैंने बताया इससे पिछले वाले 3 वीडियो में हम जो ट्रांजेंट की प्रॉब्लम होती है उसे 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कौन सा स्टेप कब निकालना है। तो पहले टी इक्वल्स टू 0 माइनस पे हमें पता है इंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्विच की पोजिशन देखो, टी इक्वल्स टू 0 पे हमने क्या है इसको क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू 0 पे क्लोज किया हुआ, तो टी इक्वल्स टू 0 माइनस पे क्या रहा होगा, ये ओपन रहा होगा। 0 पे बंद आके कर रहा हो तो 0 माइनस पे ओपन ही रहा होगा ना, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं, तो लिखना शुरू करते हैं। चलो यहाँ पे स्टेप नंबर वन, स्टेप वन में क्या होता है, एट टी इक्वल्स टू 0 माइनस के लिए हम जब बनाते हैं तब क्या होता है, इंडक्टर जो होता है वो हो जाता है शॉर्ट सर्किट, और स्विच जो है हमारा टी इक्वल्स टू 0 पे बंद किया गया है, 0 माइनस पे क्या रहा होगा, ओपन रहा होगा। ये सारी चीजें बनाने के बाद इसी को सर्किट में कर देते हैं अप्लाई। ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे आई ऑफ एस, ये कितना आ जाएगा आर ऑफ एस, स्विच को रखा हमने ओपन, ये है हमारा यहाँ पे आर, और इंडक्टर क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो जो इंडक्टर को शॉर्ट कर ही दिया तो इसमें करंट कितनी हो जाएगी, आई एफ 0 माइनस, ठीक है, आई ओ 0 माइनस। अब देखो यहाँ पे 0 माइनस की वैल्यू कितनी होने वाली है, ये आई ओ एस है, इसके पास ये इस तरफ आ जाएगी, इधर तो जाएगी ना क्योंकि आगे खुला हुआ है, आगे ओपन है, यहाँ से इधर कितनी जाने वाली है, 0 एम्पियर। तो इसका मतलब कि आगे क्या हो गया, यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगी। आई ओ 0 माइनस की वैल्यू कितनी आ गई, आई ऑफ 0 माइनस जो यहाँ पे देखो, आई ऑफ 0 माइनस जो वही इंडक्टर की ही करंट है, ठीक है। तो आई ऑफ 0 माइनस को मैं क्या कह सकता हूँ, आई एल ऑफ 0 माइनस, क्योंकि इंडक्टर की करंट है ना, और इंडक्टर की आई एल ऑफ 0 माइनस जो होती है उसकी आई एल ऑफ 0 प्लस के इक्वल होती है। तो ये कितना आ गया, 0 एम्पियर, ठीक है। तो आई देखो आई ऑफ 0 प्लस पूछा, ये आई ऑफ 0 प्लस भी क्या हो जाएगा, ये आई ऑफ 0 जो आई ऑफ जो आई ऑफ टी है वही कह रहा मेरा आई एल ऑफ टी है, तो ये भी आई ऑफ 0 माइनस किसके हो जाएगा, यहाँ पे आई ऑफ 0 प्लस के, क्योंकि ये इंडक्टर की करंट है, इंडक्टर में आई ऑफ 0 माइनस की और 0 प्लस की करंट इक्वल रहती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसलिए ये इक्वल हुआ। तो आई ऑफ 0 प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से पहला सोल्व हो चुका है हमारा, आई ऑफ 0 प्लस आ चुका है हमारा, आई ऑफ 0 प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, 0 एम्पियर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आगे बढ़ते हैं, तो आप देखो मुझे चाहिए वी एल ऑफ 0 प्लस, तो वी एल ऑफ 0 प्लस मिल जाएगा, एक बार काम बन जाएगा। उसके 0 प्लस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं रीड्रॉ करता हूँ स्टेप नंबर टू, यानी इस पर क्या होगा, स्टेप नंबर टू में क्या होगा, एट टी इक्वल्स टू 0 प्लस इंडक्टर हो जाता है ओपन सर्किट, स्विच हो जाएगा 0 पर क्लोज कर रहा हूं तो 0 प्लस पे क्या रहेगा, क्लोज रहने वाला, ठीक है। तो बस बनाओ सर्किट किस टाइप का दिखेगा, ये आ गया आई ऑफ एस, ये आ गया आर ऑफ एस, स्विच को कर दिया इस बार क्लोज, ये आ गया आर, इंडक्टर क्या हो जाता है ओपन सर्किट, लेकिन कंडीशन क्या है, जो इनिशियल करंट निकाली है उसको भी मैनेज करना, उसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी इंडक्टर के टर्मिनल है उसके अक्रॉस वो क्या करते हैं, उसी करंट को फ्लो करा देते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे फ्लो करानी थी 0 एम्पियर आई है, 0 एम्पियर का मतलब शॉर्ट सर्किट, नहीं तो मैं क्या करता यहाँ पे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा के उतने एम्पियर की करंट फ्लो करा देता, ठीक है। पिछले वाले वीडियोस देखे हैं तो बहुत आसान से समझ आएगा। तो इस तरह का मेरा सर्किट बचा, ठीक है, और यहाँ पे ये इंडक्टर लगा हुआ था तो 0 प्लस पे बना रहा हूँ, तो ये वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0 प्लस पे हो जाएगा, ठीक है।
आई ऑफ इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडक्टर की करंट तो जीरो रहने वाली है, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये ओपन है, जीरो रहेगा। देखो सर्किट वेरीफाई हो रहा है हमारा, ठीक है, जीरो माइनस पे हमें पता था यहाँ का। फिलहाल हमें जीरो प्लस तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो ये ओपन है, ये भी ओपन, यहाँ पे करंट कितनी आएगी, जब फिर जीरो एम्पियर, जब यहाँ से नहीं जा सकती, यहाँ से नहीं जा सकती, आई ऑफ एस इधर ही जाने वाली, तो ये पूरा वो इसमें केवीएल लगा देता हूँ मैं, तो आई ऑफ एस इधर आएगी, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई एस इंटू आर एस, ठीक है, वोल्टेज इंटू सॉरी करंट इंटू रेजिस्टेंस। बस क्या करता हूँ, अब मैं केवीएल लगा देता हूँ, तो मैं लगाता हूँ माइनस ऑफ आई एस आर एस, इस वाले के साथ जीरो एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है, जीरो इंटू आर प्लस, नीचे कितना आ जाएगा, वी एल ऑफ जीरो प्लस, क्योंकि मुझे वी एल ऑफ जीरो प्लस की जरूरत है, इजिकल्स टू जीरो, ये हो गया जीरो, और ये हो जाएगा यहाँ से वी एल ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू कितना आ गई, ये तो पूरा जीरो हो गया, ये तो जाके क्या हो जाएगा, आई एस आर एस, ठीक है, तो वी एल ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू आ चुकी है, हमसे जीरो प्लस भी पूछा हुआ था, तो ये भी आ गई, एक ये आ गई। और आगे क्या पूछा था देख लेते हैं, एक चीज और पूछी थी हमें सर डेरिवेटिव जीरो प्लस पर, करंट का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो हमें करंट जो इंडक्टर की करंट और वोल्टेज का रिलेशन पता है, वी एल ऑफ टी का जो फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है, डी एल ऑफ आई ऑफ, यहाँ पे इंडक्टर करंट टी अपॉन डी टी, टी का जीरो प्लस लगा दो, टी के इस रख दूंगा, एल का डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, डी आई ऑफ एल जीरो प्लस अपॉन डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, वी एल जीरो प्लस पे अपॉन अपॉन एल, ठीक है, एल की वैल्यू तो एल ही दे रखी है यहाँ पे इंडक्टर, जीरो प्लस पे जो वैल्यू आई है वो आई है वी एल ऑफ जीरो प्लस आई एस आर एस अपॉन एल, ठीक है, ये एक और वैल्यू सोल्व हो गई डी आई डेरिवेटिव वाली। और देखते हैं जीरो प्लस पे कुछ और पूछा क्या, जीरो प्लस पे कुछ और चीज बची हो, अब नहीं बची है, करंट इन्फिनिटी पे पहुंची है, फिर उसके बाद आई ऑफ टी, ठीक है, तो बनाते हैं सर्किट स्टेप थ्री, यानी स्टेप थ्री में क्या करते हैं, इंडक्टर एट टी कस्टो इन्फिनिटी क्या होता है, इंडक्टर हो जाता है शॉर्ट सर्किट, और हमें पता है स्विच कैसे रहने वाला, क्लोज ही रहने वाला, क्योंकि जीरो प्लस पे क्लोज रहता है, इन्फिनिटी पे क्लोज ही रहेगा, तो सर्किट जो बन जाएगा वो कैसे बन जाएगा, आई ऑफ एस, और एक बार देख लेता हूँ मैं, सॉरी इनिशियल सर्किट आर एस आ जाएगा, सर्किट क्लोज, ये आर, यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पे ये कितना आ गया भैया, आर एस यहाँ पे आ गया, ये स्विच को क्लोज, यहाँ पे था आर, और इंडक्टर को क्या कर दिया, इंडक्टर को करना पड़ेगा शॉर्ट, ठीक है, जब शॉर्ट क्या था, विद सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करानी है आई ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि आई एल ऑफ जीरो माइनस जहां पर निकाला था उसी उस डायरेक्शन में वो लेनी, ठीक है, तो ये आ गया हमारा सर्किट, ठीक है, तो आई ऑफ इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये आर और एस पैरेलल में, ये टोटल करंट आ रही है, तो बाय करंट डिवीजन रूल क्या हो जाएगा, डिवीजन रूल क्या कहता है, किसी ब्रांच में अगर पैरेलल ब्रांच में करंट निकालनी है, जो टोटल करंट आ रही है वो मल्टीप्लाई बाय अपोजिट ब्रांच का करंट, सॉरी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच कौन सी, आर एस, अपॉन टोटल दोनों ब्रांचों का रेजिस्टेंस का सब, ठीक है, तो आई ऑफ इन्फिनिटी कितना आ गया मेरा, आई एस आर एस आर एस प्लस आर, ठीक है, आई ऑफ इन्फिनिटी आ गया। आई ऑफ टी का जो लिखते हैं हम क्या फॉर्मूला होता है बताओ मुझे, आई ऑफ टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई ऑफ इन्फिनिटी, उससे भी पहले हम निकाल लेते हैं टाइम कॉन्स्टेंट, ठीक है, पहले टाइम कॉन्स्टेंट निकाल लेते हैं जो कि हमें चाहिए, तो टाइम कॉन्स्टेंट कैसे निकालते हैं, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो थेवेनिन इंपीडेंस निकालना पड़ेगा,
तो ये जो करंट सोर्स है ये तो हो जाएगा ओपन, ठीक है। थेवेनिन इंपेडेंस से निकालते हैं ना, ये आ गया आर ओ पैस, ये आ जाएगा आर, और ये आ जाएगा क्या ओपन, जहां से देख रहा हूँ वहां पर क्या कर देते हैं, इंडक्टर को हटा दो और वहां से देखना फिर हमें। तो यहाँ पर देख ले हो तुम, आर ओ एस किस में, सीरीज में, ठीक है। तो आर टी एच हमारा क्या आ गया, आर एस प्लस आर। तो टो की जो वैल्यू कितनी होती है हमें पता, एल अपॉन आर टी एच, एल तो एल ही दे रखा है हमें, और ये कितना आ जाएगा आर एस प्लस आर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज क्या कर दूंगा मैं, उठा के करंट की इक्वेशन में लगा दूंगा। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है किसी एलिमेंट के अक्रॉस करंट का फॉर्मूला होता है, वो होता है इन्फिनिटी पे करंट, जीरो प्लस पे करंट, माइनस इन्फिनिटी पे करंट ई की पावर टी बाई टाउ, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा जो करंट आया है इन्फिनिटी पे कितना था मैं भूल गया, इन्फिनिटी पे था आई एस आर एस अपॉन आर एस प्लस आर, आई एस आर एस प्लस आर प्लस, जीरो प्लस पे कितना था, जीरो प्लस पे शायद जीरो आया था मेरे हिसाब से, एक बार देख लेते हैं। हाँ आई ऑफ जीरो प्लस जीरो था, तो ये आ गया जीरो माइनस आई, इसकी वैल्यू कितनी है आई एस आर एस। देखो एक ही सर्किट में जितनी ज्यादा चीजें निकालने सीखोगे इतनी जल्दी सर्किट ये बनाना सीख जाओगे। टी अपॉन ये कितना आ जाएगा एल अपॉन आर एस प्लस आर, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, और थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। आई ऑफ इन्फिनिटी कितना आ जाएगा आई एस आर एस आर एस प्लस आर, जीरो माइनस करने पे ये सेम रहने वाला आर एस आर एस प्लस आर ई की पावर, आर एस प्लस आर यहाँ पे ऊपर पहुँच गया, नीचे आ गया एल इंटू टी, ठीक है। यहाँ से और क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो आई एस आर एस आर एस प्लस आर, ये दोनों जगह, ठीक है। देखो काफी आसान है, जितने ज्यादा चीजें निकालने सीखो निकालने कोशिश करोगे सर्किट में इतनी जल्दी ट्रांजिएंट आएगा। ई की पावर माइनस आर एस प्लस आर अपॉन एल, ठीक है। कभी कभी इसका यहाँ पे ये हो सकता है सर्किट में इनके आई एस आर एस एल की वैल्यू दे रखे, उनको वैल्यू को लगा देंगे, ठीक है। कभी कभी इसका ग्राफ भी पूछ लेता है, तो ग्राफ बना देना, ठीक है। ग्राफ किस टाइप का होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। फिलहाल आई होप आप लोगों को समझ आएगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।